हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंड सिब्लिंग्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम है स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। ये है चैप्टर आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 वैल्यू एजुकेशन, जिसे आप न्यू वैल्यूज, वैल्यू थॉट्स, मोरल साइंस, ठीक है, ये बोलते हैं। स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, स्ट्राइव में से होता है कोशिश करना, अच्छा करने के लिए कुछ कोशिश करना। तो ये हमारी इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कुछ अगर हमें अच्छा करना है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। सिर्फ सोचने से या सपने बनाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इससे पहले हम 8 चैप्टर तक सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने मनी मैनेजमेंट पढ़ा था कि हमें मनी को मैनेज करके चलना चाहिए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू, स्टीव जॉब्स ने कहा था। स्टीव जॉब्स हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कौन थे। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि सिर्फ एक तरीका, कुछ अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि वो काम करो जिसमें तुम्हें दिलचस्पी हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता हो, जो तुम्हें पसंद हो, जो काम करना उसी काम को करो, तो आप ग्रेट वर्क कर सकते हो। ठीक है, अपनी आपको एबिलिटीज जो भी हैं, आपको जो भी करना पसंद है, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, जिससे आपको पॉजिटिव क्वालिटीज़ मिलेंगी और आपकी सक्सेसफुल लाइफ बनेगी। सक्सेसफुल चिल्ड्रन जो हैं वो सक्सेसफुल एडल्ट्स बन जाएंगे, जिनका हाई लेवल हो जाएगा अपना, आपकी रेस्पेक्ट बनेगी और आपको नई नई चीज़ें पढ़ना अच्छा लगेगा। ठीक है, लेट अस रीड सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स एंड अप्लाई हिज एडवाइसेस इन अवर लाइफ। किसी की बायोग्राफी है, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, बायोग्राफी होता है जिनकी कहानी वो खुद लिखते हैं, तो स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है, खुद नहीं मतलब किसी ने लिखी है, तो उनकी बायोग्राफी से कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पार्ट दिया हुआ है, उनकी एडवाइसेस को हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। स्टीव जॉब्स के बारे में, स्टीव पॉल जॉब्स 1955 to 2011, कॉमनली नोन एज स्टीव जॉब्स, वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंशियल इनोवेटर्स ऑफ हिज जनरेशन। स्टीवन पॉल जॉब्स, 1955 में उनका बर्थ हुआ था, 2011 में उनकी डेथ हो जाती है। उन्हें कॉमनली स्टीव जॉब्स के नाम से जाना जाता है। वो एक अपनी जनरेशन के एक बहुत ही मोस्ट सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल इनोवेटर्स थे। इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली, जिनका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता था लोगों पर। और इनोवेटर होता है जो कुछ न्यू थिंग्स इनोवेट करते हैं, बनाते हैं, हु इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स। तो अपनी जनरेशन के वो एक बहुत ही अच्छे इनोवेटर थे। ही इज बेस्ट नोन एज को फाउंडर, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेशन। वो को फाउंडर, एप्पल जो कंपनी है उसके को फाउंडर, चेयरमैन और CEO थे एप्पल कंपनी के। अंडर हिज लीडरशिप, उनकी लीडरशिप के अंडर, उनकी गाइडेंस के अंदर स्टीव जॉब्स की, द कंपनी डेवलप्ड, एप्पल कंपनी ने बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे iMac, iPod, iPhone एंड iPad। ही बिलीव्ड इन एक्सेलेंस एंड ऑलवेज इंस्पायर्ड हिज टीम टू मेक सिंपल बट बेटर प्रोडक्ट्स। वो एक्सेलेंस में यानी कि अच्छे काम में बिलीव करते थे और हमेशा अपनी टीम को इंस्पायर करते थे, उनको मोटिवेट करते थे कि सिंपल चीज़ बनाओ लेकिन अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ। एज ही वंस सेड, उन्होंने एक बार क्या कहा, अवर गोल, हमारा गोल यानी कि हमारा मेन एम क्या है, टू मेक द बेस्ट डिवाइसेस इन द वर्ल्ड, नॉट टू बी द बिगेस्ट। हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमें वर्ल्ड में बेस्ट डिवाइसेस बनाने हैं, सबसे बड़े डिवाइस नहीं बनाने, बेस्ट डिवाइस बनाने हैं पूरे वर्ल्ड में। स्टीव वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मोटिवेटर, स्टीव जो थे वो एक बहुत ही बड़े मोटिवेटर भी थे, यानी कि लोगों को मोटिवेट करते थे। हियर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द इंस्पायरिंग स्पीच दैट ही डिलीवर्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑन 12 June 2005। उन्होंने एक स्पीच दी थी, उसका एक पार्ट आपको इस आगे सुनने को मिलेगा, जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर करी थी, जो स्पीच दी थी 12 June 2005 को। आई एम ऑनर्ड, ये उनका पार्ट है उनकी स्पीच का, आई एम ऑनर्ड टू बी विद यू टूडे एट योर कमेंसमेंट फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को बोलते हैं वो, आपके फर्स्ट डे पर मैं आपके साथ हूँ, पूरे वर्ल्ड की जो फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है। आई नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, मैं कभी भी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ, यानी कि वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई बतानी चाहिए, दिस इज द क्लोजेस्ट, ये सबसे
बारीक बात है, आई हैव एवर गॉटन टू आवर कॉलेज ग्रेजुएशन, मुझे कभी भी कॉलेज ग्रेजुएशन नहीं मिली है। टुडे आज आई वॉन्ट टू टेल यू थ्री स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ, आज मैं आपको अपनी लाइफ की तीन स्टोरीज बताऊँगा, ठीक है। वो थ्री स्टोरीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले आगे। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, फर्स्ट स्टोरी है डॉट्स को कनेक्ट करने की। आई चूज अ कॉलेज दैट वॉज ऑलमोस्ट एज एक्सपेंसिव एज स्टैनफोर्ड एंड ऑल ऑफ माई वर्किंग क्लास पेरेंट्स सेविंग्स वर बींग स्पेंट ऑन माई कॉलेज ट्यूशन। मैंने कॉलेज चूज किया था जो इतना एक्सपेंसिव था जितना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव है, और जितने भी मतलब मेरे जो पेरेंट्स की सेविंग्स थी, मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे और उनकी जितनी भी सेविंग्स थी वो मेरे कॉलेज ट्यूशन फीस में क्या हो जाती थी, खर्च हो जाती थी। आफ्टर सिक्स मंथ्स के बाद आई कुडेंट सी, मैंने नहीं देखा, क्या नहीं देखा, द वैल्यू इन इट, मुझे वहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं लगा, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा। आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांटेड टू डू विद माय लाइफ एंड नो आइडिया हाउ कॉलेज वाज गोइंग टू हेल्प मी फिगर इट आउट। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं आगे अपनी लाइफ के साथ क्या करने वाला हूँ, ना ही ये आइडिया था कि कैसे मेरा कॉलेज, जो जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, वो मुझे इस चीज़ में हेल्प करेगा ये देखने में कि मैं लाइफ में मुझे क्या करना है। एंड हियर आई वॉज स्पेंडिंग ऑल ऑफ द मनी माई पेरेंट्स हैड सेव्ड इन देयर एंटायर लाइफ, और मैं यहाँ पर मेरे पेरेंट्स जितना उन्होंने जितने भी पूरी लाइफ में अपनी सेविंग्स करी हैं उन्हें मैं यहाँ पर खर्च कर रहा हूँ। सो इसीलिए आई डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप आउट करूँगा, ड्रॉप आउट यानी कॉलेज छोड़ दूंगा, एंड ट्रस्ट दैट इट वुड ऑल वर्क आउट ओके, और ये विश्वास रखा कि ये सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इट वॉज प्रीटी स्केरी एट दैट टाइम, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्केरी था ये बात, ठीक है, कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया, बट लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। लेकिन अगर अब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारी बात है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो डिलीवर स्पीच करी थी ना उन्होंने, उसी में बोला था कि अगर मैं अगर पीछे देखता हूँ तो ये मेरे अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा। द मिनट आई ड्रॉप्ड आउट आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट डिड नॉट इंटरेस्ट मी एंड बिगेन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग। जिस मिनट मैंने वो चीज़ छोड़ी, ड्रॉप आउट करी, तो मैंने रिक्वायर्ड क्लासेस जो थी वो भी लेना बंद कर दिया जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और कुछ ऐसी चीज़ देखने लगा जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो उस चीज़ को मैं देखने लगा। रीड कॉलेज एट दैट टाइम ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस इन द कंट्री। रीड कॉलेज उस टाइम पर, ठीक है, स्टीव जॉब्स के टाइम पर रीड कॉलेज ने बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस दिए थे, देते थे वो कंट्री में, बेस्ट कैलीग्राफी कोर्स चलाते थे थ्रू आउट द कैंपस, पूरे कैंपस में, रीड कॉलेज के पूरे कैंपस में हर पोस्टर, हर ड्रोर पर जो भी लेबल्स लगते थे वो ब्यूटीफुली हैंड कैलीग्राफ्ड थे, ठीक है, हैंड कैलीग्राफी हुई थी उस पर, बिकॉज आई हैड ड्रॉप्ड आउट एंड डिड नॉट हैव टू टेक द नॉर्मल क्लासेस। अब मैंने क्योंकि ड्रॉप आउट कर दिया था और ना ही नॉर्मल क्लासेस लेनी थी मुझे, आई डिसाइडेड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास। मैंने डिसाइड किया कि मैं कैलीग्राफी क्लास लूँगा टू लर्न हाउ टू डू दिस, ये सीखने के लिए कि कैलीग्राफी कैसे पढ़ते हैं। आई लर्न अबाउट, मैंने क्या क्या सीखा, सेरिफ एंड सेंसेरिफ टाइप फेसेस, यानी कैलीग्राफी की टेक्निक्स होती हैं, अबाउट वेरिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन डिफरेंट लेटर कॉम्बिनेशंस, कि डिफरेंट लेटर कॉम्बिनेशंस के बीच में स्पेस कितना वेरी होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर के कॉम्बिनेशंस में कितना स्पेस देना चाहिए। बट वॉट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट, मैंने ये भी देखा कि टाइपो, उसके बाद कि टाइपोग्राफी कैसे ग्रेट होती है, ठीक है, जो इतनी अच्छी टाइपोग्राफी होती है उसे और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिकली सबटल रही, यानी कि बहुत बारीक काम था ये, दैट साइंस कैंट कैप्चर, इस चीज़ को साइंस कैप्चर नहीं कर सकता था, एंड I found it fascinating, और ये बात मुझे बहुत ही interesting लगी। None of this had even a hope of any practical application in my life. ये भी चीज़, जो भी चीज़ें मैंने सीखी इसके कोई practical application नहीं था मेरी life में, यानी कि मैं कुछ काम इससे नहीं करने वाला था। But 10 years later, लेकिन 10 साल बाद क्या होता है, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. जब हम पहला Macintosh computer डेवलप कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें वापस आती हैं, कौन सी कैलीग्राफी जो भी उन्होंने सीखा था, एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू द मैक, और ये सब कुछ हमने मैक में डिज़ाइन किया। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विद ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी, ये पहला कंप्यूटर था जिसमें बहुत ही सुंदर टाइपोग्राफी की गई थी। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड आउट इन ऑन दैट सिंगल कोर्स इन कॉलेज, द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेज और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स।
वो बोलते हैं कि अगर मैंने ड्रॉप आउट नहीं किया होता, यानी कि वो उस कॉलेज में, यानी कि रीड कॉलेज में वो सिंगल कोर्स नहीं किया होता, तो मैक में इतने सारे टाइप फेसेस या फिर प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते, और इट्स लाइकली दैट नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम। और ये ऐसा है कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये इन चीज़ें नहीं हो सकती, सिर्फ मैक कंप्यूटर में हो सकती हैं। इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप आउट, अगर मैंने ऐसा ड्रॉप आउट नहीं किया होता कॉलेज, आई वुड हैव नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दिस कैलीग्राफी क्लास, ना तो मैं उस कैलीग्राफी क्लास में कभी आता फिर, ठीक है। एंड पर्सनल कंप्यूटर्स माइट नॉट हैव द वंडरफुल टाइपोग्राफी दैट दे डू, और ना ही पर्सनल कंप्यूटर्स में वो वंडरफुल टाइपोग्राफी का ऑप्शन होता। ऑफ कोर्स इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, और तो और ये बहुत इम्पॉसिबल था कि जब मैं कॉलेज में था हम आगे देखकर डॉट्स को कनेक्ट करें, डॉट्स को कनेक्ट करने इन द सेंस कि हम आगे देखकर ये देखें कि हमें क्या करना है, बट इट वॉज वेरी वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 ईयर्स लेटर, लेकिन हम 10 साल पीछे देखकर उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये एप्पल की कंपनी की कुछ प्रोडक्शंस यहाँ पर आपको दिखाया हुआ, ये आईपॉड है, ठीक है, शफल, नैनो, टच, क्लासिक, और ये हैं आपके आईफोन्स 5S 5C, ये आईपैड है मिनी एयर, ये मैक दे रखा है आई मैक मिनी, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, मैक प्रो, है ना, ये सब चीज़ें आप एप्पल कंपनी का प्रोडक्शंस हैं। आगे बोलते हैं ये अभी उनकी फर्स्ट स्टोरी चल रही है, अगेन आगे यू कैन नॉट कनेक्ट दी डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, आप आगे देखकर उन डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो जब आप अपनी लाइफ में पीछे झांको, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल सम हाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। तो आपको ये ट्रस्ट रखना पड़ेगा, ये विश्वास रखना पड़ेगा कि जो आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो कभी ना कभी फ्यूचर में कनेक्ट करेंगी। यू हैव टू हैव ट्रस्ट इन समथिंग, आपको किसी ना किसी चीज़ में तो विश्वास रखना पड़ेगा, अपने गट्स में, अपनी डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, कुछ भी चीज़ हो उसमें आपको बिलीव करना होगा। दिस अप्रोच हैज़ नेवर लेट मी डाउन, और इसी अप्रोच की वजह से मैं कभी भी नीचे नहीं गिर पाया, यानी नीचे नहीं झुका, एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज इन माई लाइफ, और इसी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेज आए। ये तो फर्स्ट स्टोरी थी, अब उनकी सेकेंड स्टोरी हम पढ़ते हैं जो थी लव एंड लॉस के बारे में। आई वॉज लकी, मैं बहुत लकी था, आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, मुझे लाइफ में बहुत जल्दी ये पता पड़ गया कि मुझे आगे क्या करना है। वॉज एंड आई स्टार्टेड एप्पल इन माई पेरेंट्स गैराज व्हेन आई वॉज 20, वॉज यानी कि उनको किसी कंपेनियन था कोई, ठीक है, कंपनी का, यानी कि उनका कोई साथी था, पार्टनर था, और उन्होंने स्टीव जॉब्स ने मिलकर एप्पल कंपनी स्टार्ट करी अपने पेरेंट्स के गैराज में जब वो 20 ईयर्स के थे स्टीव जॉब्स। वी वर्क्ड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत करी, एंड इन 10 ईयर्स एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द टू ऑफ अस इन अ गैराज इन टू अ $2 बिलियन कंपनी विद ओवर 4,000 एम्प्लॉयज। सिर्फ 10 ईयर्स के हार्ड वर्क के बाद एप्पल कंपनी जो थी गैराज की जगह एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है जिसमें 2 लोगों की बजाय 4,000 एम्प्लॉयज़ होते हैं, और $2 बिलियन की कंपनी वो बन जाती है एप्पल की 10 ईयर्स के अंदर। वी हैड जस्ट रिलीज्ड अवर फाइनेस्ट क्रिएशन द मैकिंटोश, हमने सिर्फ बस रिलीज ही किया था अपना एक फाइनेस्ट क्रिएशन मैकिंटोश एक ई साल पहले, एंड आई हैड जस्ट टर्न 30, और मैं अभी 30 ईयर्स का हुआ, एंड देन आई गॉट फायर्ड, और उसके बाद मुझे निकाल दिया गया। हाउ कैन यू गेट फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी वो स्टार्टेड, जो अब आप सोचेंगे कि वो कंपनी उन्होंने ही स्टार्ट करी थी और वो कैसे फायर आउट हो सकते हैं, यानी वो कैसे निकाले गए। वेल एज एप्पल ग्रू वी हायर्ड समवन, अब क्या होता है वो उस चीज़ का आंसर देते हैं कि जैसे जैसे एप्पल कंपनी बढ़ी, ठीक है, उन्होंने किसी को हायर किया हुम आई थॉट वॉज वेरी टैलेंटेड टू रन दी कंपनी विद मी, मैंने सोचा था कि वो बहुत टैलेंटेड है कंपनी को चलाने के लिए, मेरे साथ वो चला सकता है। एंड फॉर द फर्स्ट ईयर्स और सो थिंग्स वेंट वेल, लगभग एक साल चीज़ें अच्छी गई, ठीक है, जिन्होंने उसे हायर किया था, उसे नहीं, स्टीव जॉब्स ने जिसे हायर किया था उनके साथ चीज़ें अच्छी जा रही थी, बट देन अवर विजन्स ऑफ द फ्यूचर बिगिन टू डाइवर्ज एंड इवेंचुअली वी हैड अ फॉलिंग आउट। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, 1.5 साल बाद उनका जो फ्यूचर को देखने का नज़रिया था वो अलग अलग होने लगा, और इसी वजह से उनका फॉल आउट होने लगा, यानी कि डाउन आने लगी। वैन वी डिड अवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइडेड विद हिम, और जब हमने किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी BOD जो थे उन्होंने जिन्हें हायर किया गया था ना उनके साथ रहे, इसलिए 30 की एज पर उन्हें निकाल दिया गया। वॉट हैड बीन द फोकस ऑफ माई एंटायर अडल्ट लाइफ वॉज गॉन एंड इट वॉज डिवास्टेटिंग, और मेरी पूरी लाइफ एंटायर अडल्ट लाइफ का जो फोकस था वो ख़त्म हो चुका था, और वो बहुत ही डिवास्टेटिंग था, यानी कि डिस्ट्रक्टिंग था, ख़त्म करने वाला था।
आई रियली डिड नॉट नो वॉट टू डू फॉर अ फ्यू मंथ्स. मुझे कुछ महीने तक बिल्कुल नहीं पता था मुझे क्या करना है, बट आई स्टिल लव्ड वॉट आई डिड. लेकिन मुझे अभी भी पसंद था जो मैंने किया. देन टर्न ऑफ इवेंट्स एट एप्पल हैड नॉट चेंज दैट वन बिट. लेकिन एप्पल कंपनी में जो भी टर्न ऑफ्स आए उससे कोई कुछ भी चेंजेस नहीं आया. एक टुकड़ा मतलब एक बिट भी, एक मिनट के लिए भी कोई भी चेंजेस नहीं आए. आई हैड बीन रिजेक्टेड, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, बट आई वॉज स्टिल इन लव. लेकिन मुझे अब भी उस वो चीज़ें पसंद थी. एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टार्ट ओवर करूँगा, यानी फिर से स्टार्ट करूँगा. आई डिडंट सी इट देन. और उसके बाद मैंने उन्हें पलट कर नहीं देखा. बट इट टर्नड आउट दैट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपन टू मी. लेकिन मैंने अगर मुझे एप्पल कंपनी से निकाला गया तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ थी ये कि मुझे उस एप्पल कंपनी से निकाला गया. द हैवीनेस ऑफ बींग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाई द लाइटनेस ऑफ बींग अ बिगिनर अगेन, लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग. सक्सेसफुल होने का जो हैवीनेस थी कि मुझे सक्सेस होना है, वो रिप्लेस हो गई किससे, कि वो फिर से एक बिगिनर बन गए. यानी कि उन्होंने फिर से स्टार्ट किया. उन्हें हर चीज़ के बारे में वो श्योर तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर से रीस्टार्ट की चीज़ें. इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ. और इस वजह से वो अपने लाइफ के मोस्ट क्रिएटिव पीरियड में एंटर हुए ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स. और उसके अगले 5 साल में क्या हुआ, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम उन्होंने रखा नेक्स्ट, अनदर कंपनी जिसका नाम था पिक्सर. इन अ रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स, और कुछ इवेंट्स हुए. एप्पल बॉट नेक्स्ट, आई रिटर्न टू एप्पल. एप्पल बॉट नेक्स्ट, एप्पल जो कंपनी थी उन्होंने क्या कर लिया, नेक्स्ट को खरीद लिया. वो एप्पल कंपनी में फिर वापस आ जाते हैं. एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसेंस. और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने नेक्स्ट कंपनी में बनाई थी, नई वाली कंपनी में बनाई थी, वो एप्पल के पुनर्जन्म की तरह था. ठीक है, यानी कि वो उनका रीबर्थ हुआ एक तरीके से. आई एम प्रिटी श्योर ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड नॉट बीन फायर्ड फ्रॉम एप्पल. मुझे इतना ये तो श्योर था कि ऐसा कुछ नहीं होता अगर मुझे एप्पल कंपनी से नहीं निकाला जाता. इट वॉज ऑफुल टेस्टिंग मेडिसिन, ये कड़वी वाली दवाई थी, बट आई गेस द पेशेंट नीडेड इट. और लेकिन मुझे लगता है कि पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ती ही है. आई एम कन्विंस्ड दैट द ओनली थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वॉज दैट आई लव वॉट आई डिड. सिर्फ ये चीज़ थी मेरे अंदर कि स्टीव जॉब्स कह रहे हैं अपने लिए कि मैं चीज़ मेरे अंदर ये थी जिस वजह से मैं कीप गोइंग ऑन करता रहा, यानी कि चलता रहा, कि मैंने वही चीज़ करी जो चीज़ मुझे पसंद थी. यू हैव गॉट टू फाइंड वॉट यू लव. आपको ये ढूंढना पड़ता है कि आपको आप किस चीज़ को पसंद करते हो. यू आर वर्किंग इज़ गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ. जो भी आप काम करना चाहते हो वो आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट फिल करती है. एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज़ टू डू वॉट यू बिलीव इज़ अ ग्रेट वर्क. और जो एक बात है, ठीक है, कि आप ट्रूली सेटिस्फाई हो सको, तो आप कैसे सेटिस्फाइड हो सकते हो, कि वो काम करो जो आपको लगता है कि एक बहुत ही अच्छा काम है. अगर आप वो करते हो तो आप अपनी लाइफ को सेटिस्फाई कर सकते हो. ओके, ये बातें कौन कह रहे थे, स्टीव जॉब्स. एंड द ओनली वे टू डू अ ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू. और सिर्फ एक तरीका है कि कुछ अगर आपको बड़ा करना है तो वो काम करो जिस जो आपको पसंद हो. इफ़ यू हैव नॉट फाउंड इट येट कीप लुकिंग डोंट सेटल. अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं मिली है कि आपको आगे क्या करना है, तो देखते रहिए, सेटल मत करिए. यानी कि ऐसा नहीं कि आप रुक जाइए किसी चीज़ का, अगर कुछ आप हार जाते हो किसी चीज़ में तो ऐसा नहीं कि आपको स्टेबल हो जाए, नहीं, कि ऑन गोइंग करते रहो, चलते रहो. एज विद ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो वैन यू फाइंड इट. और जब आपका दिल आपको उस चीज़ की सहमति दे देगा तो आपको उस चीज़ आपको पता पड़ जाएगा जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी. एंड और लाइक एनी ग्रेट रिलेशनशिप, और किसी बड़े रिलेशनशिप की तरह, इट जस्ट गेट्स बेटर. वो बेटर बेटर होते चले जाएंगे जैसे जैसे साल से साल बीतता जाएगा, चीज़ें अच्छी होती जाएंगी. सो कीप लुकिंग अंटिल यू फाइंड इट, डोंट सेटल. और जब तक ढूंढते रहिए इसलिए सभी चीज़ें, जब तक आपको नहीं मिलती, और कभी भी सेटल मत होइए. ये तो थी उनकी सेकेंड स्टोरी. अब आती है उनकी थर्ड स्टोरी जो डेथ के बारे में है, उनकी मृत्यु से रिलेटेड है. अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोज विद कैंसर. एक साल पहले लगभग उन्हें बीमारी हो जाती है, यानी कि कैंसर हो जाता है. आई हैड अ स्कैन एट 7:30 इन द मॉर्निंग. और उनका अगली सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में 7:30 पे उनकी स्कैनिंग होनी होती है. एंड इट क्लियरली शोड अ ट्यूमर ऑन माई पैनक्रियाज. और उस स्कैनिंग में उनके पैनक्रियाज पर ट्यूमर आता है. द डॉक्टर्स टोल्ड मी दिस वॉज ऑलमोस्ट सर्टेनली अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इज़ इनक्योरेबल.
डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि सिर्फ स्टीव जॉब्स को बताया कि ऑलमोस्ट ऐसा एक कैंसर है जो इनक्योरेबल है, यानी कि ठीक नहीं हो सकता, एंड दैट आई शुड एक्सपेक्ट टू लिव नो लॉन्गर दैन 3 to 6 months, और मुझे ये इतना रखना है बस कि मैं 3 से 6 महीने ही जिंदा रह पाऊँगा। स्टीव जॉब्स को बोला डॉक्टर्स ने कि वो 3 से 6 महीने तक ही जिंदा रह सकते हैं लास्ट टू लास्ट। माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम, मेरे डॉक्टर ने एडवाइस दी कि मैं घर जाऊँ एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर, ठीक है। और वो बोलते हैं उससे डॉक्टर्स कि आप घर जाइए और अपने सारे कामों को ऑर्डर में कर दीजिए, यानी कि सब ठीक कर दीजिए, विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई, जो डॉक्टर ये कहना चाहते थे कि आप मरने वाले हो तो अपनी सभी चीज़ों को ठीक कर दीजिए। इट मीन्स टू ट्राई टू टेल योर किड्स एवरीथिंग यू थॉट यू हैड हैव द नेक्स्ट 10 years टू टेल देम इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स। इसका मतलब ये था, डॉक्टर कहना चाहते थे कि अपने बच्चों को सभी चीज़ें सभी बातें बता दीजिए, जो भी आपने अगले 10 साल में करना चाहते थे वो आप, जो भी आपने बातें सोची हैं कुछ फ्यू मंथ्स में नहीं कुछ महीनों में अपने बच्चों को बता दीजिए। इट मीन्स टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ बटनड अप सो दैट इट विल बी ईजी एज पॉसिबल फॉर योर फैमिली। इट मीन्स टू से योर गुड बायस, डॉक्टर मतलब ये कहना चाहते थे कि सारी चीज़ों को आप सेटल करके जाना, ठीक है, जिससे आपके फैमिली को कुछ परेशानी ना हो, यानी कि अपने फैमिली को गुड बाय कहने की तैयारी कर लो। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे, मैं पूरे दिन उस बीमारी से जूझता रहा। लेटर दैट इवनिंग, और अगली शाम आई हैड अ बायोप्सी, मुझे मेरी बायोप्सी होनी थी। आई वॉज सीडेटेड, बायोप्सी यानी ऑपरेशन होना था, मुझे सीडेटेड किया गया यानी कि इंजेक्शन दिया गया, जिससे लोगों को क्या किया जाता है, बेहोश किया जाता है कुछ टाइम के लिए। बट माई वाइफ हु वॉज देयर टोल्ड मी दैट वेन दे व्यूड द सेल्स अंडर अ पैनक्रियाटिक कैंसर दैट इज़ क्योरेबल विद सर्जरी, लेकिन मेरी वाइफ थी वहाँ पर जिसने मुझे बताया कि जब उन्होंने एक पैनक्रियाटिक कैंसर में जो सेल्स थे उन्हें देखा तो वो क्योरेबल थे, यानी कि वो ठीक हो सकते हैं उस सर्जरी से, ठीक है। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ, और मुझे सर्जरी मेरी सर्जरी हुई और अब मैं ठीक हूँ। योर टाइम इज़ लिमिटेड एंड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो लिमिटेड है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी और के लिए जीने में, अपने लिए जियो। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, डॉगमा मीन्स लीचिंग, यानी कि किसी और के लिए मत जियो, विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग, यानी कि डॉगमा होता है कि किसी और के रिजल्ट्स के, किसी और लोगों की सोच पर जीना। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्रोन आउट योर इनर वॉइस, कि यानी कि किसी और की बातें बिल्कुल मत सुनो, अपनी मन की बातें सुनो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, इतना साहस रखो कि आप अपने दिल की बात और अपने मन की बात सुनो। दे समहाउ ऑलरेडी नो वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम, वो उन्हें किसी न किसी तरीके से पता होता ही आपके हार्ट को कि आप आगे क्या बनने वाले हो, आप क्या चाहते हो करना। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, और उसके बाद बाकी सभी चीज़ें सेकेंड पोजीशन पर रखो, सेकेंड नंबर पर रखो। स्टीव जॉब्स लॉस्ट इज बैटल विद कैंसर ऑन 5 अक्टूबर 2011, स्टीव जॉब्स जो है अपना बैटल, जो उनका कैंसर से युद्ध था वो लड़ते रहते हैं और उनका वो युद्ध में हार जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है 5 अक्टूबर 2011 में, ठीक है। आप कहोगे मैम अभी तो ऑपरेशन हुआ था, फिर डेथ कैसे हो गई, तो गाइस जब कैंसर अगर हो जाता है ना तो वो कभी भी क्योरेबल नहीं होता है, समझ में आया। उनकी वाइफ ने उन्हें क्या करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहा था ये बात, ठीक है, उनके पास टाइम था ही नहीं, ठीक है। ये स्टोरी आपकी यहाँ पर फिनिश होती है, तो ये इसमें मेन बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए बस, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। iPod was introduced in, iPod किस में इंट्रोड्यू, कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। iPad was introduced in, iPad किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2010 में। When did Steve Jobs lost his battle with cancer, Steve Jobs जो है कैंसर की वजह से कब मरते हैं, 5 अक्टूबर 2011 को उनकी डेथ हो जाती है। और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो स्टीव जॉब्स कौन थे, ही वॉज को फाउंडर चीफ ऑफिसर एंड CEO ऑफ एप्पल कंपनी, यस। नेक्स्ट है, वॉज ही अ पेसिमिस्ट और एन ऑप्टिमिस्ट, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। वो एक पेसिमिस्ट थे या ऑप्टिमिस्ट थे, यानी कि आस्तिक थे या नास्तिक थे। मीन्स आस्तिक होता है जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना और रीज़न भी बताना कि क्यों। Why does Steve Jobs describe his getting fired story from Apple as the best thing
दैट कुड हैव एवर हैपन टू हिम। स्टीव जॉब्स ने अपनी जो स्टोरी थी कि वो एप्पल से फायर हो गए, उस बात को, उस स्टोरी को वो बेस्ट थिंग क्यों बोल रहे थे? बिकॉज इफ अगर वो फायर नहीं होते तो वो अपनी नई कंपनी नहीं बनाते, नई कंपनी नहीं बनाते तो नए डेवलपमेंट्स नहीं होते, जो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड रहा अपने आप को और डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब दी थर्ड स्टोरी ऑफ जी स्टीव जॉब्स इन योर ओन वर्ड्स। ये आप कर सकते हैं, स्टीव जॉब्स की जो थर्ड स्टोरी थी, डेथ वाली जो स्टोरी थी, उसे आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, तो ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं। इसके साथ ही चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक सारे चैप्टर्स देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।